नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लासेस में कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल फॉर्मूला, और फाइनेंशियल फॉर्मूला में हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ, ईएमआई। और जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना किया है, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि प्लीज आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि नीचे आपको टाइमलाइन के नीचे होगा। तो चलिए, हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं आज फाइनेंशियल फॉर्मूला की। तो फाइनेंशियल फॉर्मूला में हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं कि हाउ कैन कैलकुलेट ईएमआई। जी हाँ, ईएमआई। अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उस लोन की ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास एक प्रिंसिपल है 50,000 रुपीज, ज्यादा होंगे कि 50,000 रुपीज मैंने बैंक से लोन लिया, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9% ईयरली है, और उसका जो टाइम है वो टाइम उसका 5 ईयर्स का है। तो 5 सालों में 9% रेट से 50,000 रुपये चुकाने हैं, तो कितने रुपए की ईएमआई कैलकुलेट होगी, ये हमें इसको निकालना है यहां से। तो यहां पे लिखते हैं ईएमआई। तो ईएमआई के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल में फाइनेंशियल कैटेगरी के फॉर्मूले में होता है, वो होता है पीएमटी का फॉर्मूला। जी हाँ, पीएमटी। तो इक्वल देते हैं पीएमटी, बट पीएमटी हमें मंथली लेना है, लेकिन हमारे पास जो भी चीजें हैं वो चीजें हमारी ईयरली हैं, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे मंथली में। जैसे कि रेट, तो रेट को हम यहां से डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारा टाइम जो है, टाइम को हम यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये हमारा हो जाएगा। और पीवी मतलब आपकी प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कितना लोन आप लेने वाले हैं वो है। तो फॉर्मूला आप सही तरीके से देखिए, पीएमटी बी3 डिवाइडेड 12, मतलब ईयरली है इसलिए हमने 12 से किया। अगर क्वार्टरली होता या फिर सेमी एनुअल होता तो उस केस में हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई डिसाइड करते। तो हमने टाइम एंड रेट को कन्वर्ट कर दिया है मंथ में, जो कि ईयरली बेसिस पे है, और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो 1037.92 मंथली आपका ईएमआई लगेगा, अगर आप 1037.92 रुपये का मंथली ईएमआई भरेंगे, तो 9% इंटरेस्ट लगने के बाद भी आपका लोन जो है सज जाएगा। तो यहां पे ये हो गया हमारा। अब बात आती है कि ये माइनस में क्यों आया। देखिए, फाइनेंशियल फॉर्मूला चाहे जो अप्लाई करें, आपका रिजल्ट माइनस में ही आता है। तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आप यहां एबीएस का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। एबीएस का फॉर्मूला इट मीन्स एब्सोल्यूट फॉर्मूला, एब्सोल्यूट कर देता है, तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो हो गई पीएमटी की पहली, जो कि ईएमआई कैलकुलेट करता है।
लेकिन मैं बोलता हूं कि मुझे अगर ईएमआई रैकरिंग के अकॉर्डिंग ईएमआई निकालना है, रैकरिंग जो रैकरिंग डिपॉजिट आरसी होता है, आरडी इसको बोलते हैं, रैकरिंग डिपॉजिट एक टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, सॉरी रैकरिंग डिपॉजिट होता है, आवर्ती खाता हिंदी में बोलते हैं इसको, उसके अकॉर्डिंग क्या हो, मतलब कि अगर मैं, ये तो हो गया आपका कि आपने लोन लिया हुआ है, अगर मैं बोलूं कि मुझे सेम मैं यहां पे ले लेता हूं कि मैं 50,000 रुपये चाहिए मुझे, लेकिन 5 साल बाद तो मैं महीने का कितना रुपए ईएमआई जमा करूं। अब यहां पे देखिए ये उल्टा है, ये हमने लोन ले लिया फिर हम इसकी किस्त सधा रहे हैं, लेकिन मैं यहां पे महीने महीने बैंक में पैसा डिपॉजिट करना चाहता हूं जो 5 सालों बाद 9% के हिसाब से 50,000 आने चाहिए, ये भी ईएमआई ही होती है। तो इसके लिए हम यहां पे लगाएंगे पीएमटी का फॉर्मूला कि पीएमटी रेट डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय आल्सो 12 एंड पीवी हमारा नहीं होगा एफवी होगा, क्योंकि जो 50,000 मिलने वाले हैं मुझे इन द फ्यूचर मिलने वाले हैं, इसलिए यहां पे हम पीवी करेंगे, एफवी करेंगे, पीवी नहीं एफवी करेंगे, और रिजल्ट आपके सामने ही आएगा। और इसको भी मैं एबीएस का फॉर्मूला डाल देते हैं, तो ये आपको 6 से 12, मतलब कि अगर आप 50,000 पहले लेते हो तो 1,000 रुपये जमा करने हैं, और अगर आपने 50,000 बाद में चाहिए तो 662 रुपये जमा कीजिए तो आपको यहां से आ जाएंगे। तो पीएमटी के फॉर्मूला से आप जो है निकाल सकते हो अपनी ईएमआई। लगाने का तरीका सिंपल है, और इसको आप अपने सेलफोन के एक्सेल पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप सेलफोन के एक्सेल पे भी ये परफॉर्म करेगा। तो इसी तरीके हमारे चैनल को देखते रहिए और नए नए वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, लेकिन हमने यूट्यूब पे सारे क्लासेस की वीडियो नहीं डाली हुई है, इस पे सिर्फ प्रमोशनल्स वीडियो ही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ लाइव और इंटरेक्टिव सेशन सीखे और मैं एक्सेल को एक कंप्लीट एक्सपर्ट लेवल में आपको सिखाऊं, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, जो कि आप अपने घर पे बैठ के आराम से देख सकते हैं, अपने सेलफोन से, अपने टैबलेट से एंड अपने पीसी से, लैपटॉप से। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ऑनलाइन क्लासेस होती कैसे है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम पहले 3 से 4 फ्री डेमो क्लासेस देते हैं। तो 3 से 4 डेमो क्लासेस लेके देखें, अगर आपको डेमो में लगता है कि दिस इज द बेनिफिशियल फॉर यू, उसके बाद आप ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो करें। अगर आपके पास ऑनलाइन क्लास देने का टाइम नहीं है तो हमारी डीवीडी भी आती है, तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके मेरी डीवीडी को भी आप परचेज कर सकते हो। डीवीडी आपको है, एक्सेल का भी अलग है, वीवीए का भी अलग है, एक्सेस का भी अलग है, और कंप्लीट कोर्स इकट्ठे भी है, अलग अलग कोर्सेज है, और पूरी के पूरी हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। या फिर कभी भी आपको किस काम करते समय किसी भी तरह के एक्सेल में प्रॉब्लम आती है, तो फील फ्री होकर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आगे आगे आने वाले वीडियोस को अपडेट चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को पॉपुलर करने की कोशिश करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि जितने लोग मेरी वीडियो को देखेंगे मुझे उतना ही सपोर्ट मिलेगा, और भी मैं नए नए वीडियोस यूट्यूब पे डालूंगा। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर ऑल्सो फ्रेंड्स। और हाँ, कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में मत लिखिए, क्योंकि मैं इतने सारे वीडियो के कमेंट्स में ऑन ऑन द टाइम नहीं पढ़ सकता, तो आप मुझे फील फ्री होकर कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।